देखो अगली चीज़ होती है टाइप कन्वर्जन। तो टाइप कन्वर्जन क्या होता है कि हमें जावा में डेटा टाइप्स दिए हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि वो डेटा टाइप्स कन्वर्ट होते हैं, तो अगर वो अपने आप कन्वर्ट होते हैं तो उसे हम इम्प्लिसिट कहते हैं, और जब हम उसे फोर्स करते हैं और फोर्सफुली कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम एक्सप्लिसिट कहते हैं। तो इम्प्लिसिट को ऑटोमेटिक भी कहते हैं और एक्सप्लिसिट फोर्स्ड कन्वर्जन होता है। तो इम्प्लिसिट में हम जैसे मान लो कि हमारे पास एक INT ए है और लॉन्ग में हमने बी लिया है और लॉन्ग में सी ले लिया, तो अगर हम ए और बी को जोड़ेंगे तो ए INT में है, बी लॉन्ग में है, लेकिन सी लॉन्ग में है, तो जो आंसर आएगा वो आप से आप लॉन्ग में ही आएगा, है ना। तो ये INT वाला काम का नहीं रहा, अब वो लॉन्ग में आंसर आ गया, है ना। तो ये तो इम्प्लिसिट हो गया कि वो आप से आप चेंज हो गया, इसमें यूज़र को कुछ नहीं करना पड़ा। लेकिन जब हमने मान लो INT या INTB लिया और इसको हम एक फ्लोट एक्स में स्टोर कर रहे हैं, तो अब हम यहाँ पे जब ब्रैकेट में कोई डेटा टाइप लिख देते हैं, चाहे वो फ्लोट हो चाहे वो INT हो या डबल हो कुछ भी हो, मतलब हम यहाँ ब्रैकेट में करके लिख रहे हैं, तो इसका मतलब हम फोर्सफुली कर रहे हैं, ये यूज़र की चॉइस है, यूज़र अपनी इच्छा को थोप रहा है यहाँ पे और फोर्सफुली ये कन्वर्जन करा रहा है, तो ये फोर्स कन्वर्जन हो गया, ठीक। उसके बाद एस्केप सीक्वेंस क्या होते हैं कि जावा में बहुत सारे एस्केप सीक्वेंस होते हैं, जैसे जिसको हम बैक स्लैश से शुरू करते हैं, तो अगर बैक स्लैश एन है तो ये न्यू लाइन का कैरेक्टर बताता है, बैक स्लैश टी है तो वो हॉरिजॉन्टल टैब के लिए होता है, बैक स्लैश बी बैक स्पेस के लिए होता है, अगर बैक स्लैश है उसके बाद एक सिंगल कोट है तो वो सिंगल कोट के लिए, मतलब वो एक डैश कैरेक्टर है, अगर डबल कोट है तो वो डबल कोट्स के लिए है, क्वेश्चन मार्क है तो वो क्वेश्चन मार्क के लिए होता है, उसके बाद अगर डबल बैक स्लैश है तो वो बैकलैश के लिए होता है, मतलब एक बैकलैश कैरेक्टर आउटपुट पे भी आएगा ये बताने के लिए है, और अगर बैकलैश के बाद 0 है तो वो नल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। तो ये कुछ एस्केप सीक्वेंसेज हैं जावा में जो हम लोग को पढ़ने पड़ते हैं।